हेलो दोस्तों, आज हम जो बिजनेस की बात करने वाला है वो डेली यूज में घरों में काम आने वाला बिजनेस है। दोस्तों, क्या आप झाड़ू का होलसेल बिजनेस करते हैं? तो इस बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झाड़ू के होलसेल के बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो इसमें कितना इन्वेस्टमेंट होता है, इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट होता है और सस्ते से सस्ता आप झाड़ू कहाँ से खरीद सकते हैं, ये और इसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, ये आप अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी मैं आपको मेरे इस वीडियो में देने वाली हूँ। दोस्तों, तो दोस्तों आप मेरा ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये जो बिज़नेस है वो ऐसा बिज़नेस है, ये 12 महीने चलने वाला है और ये बिज़नेस की कोई सीज़न नहीं होती है, ये बिज़नेस 12 महीने चलने वाला बिज़नेस है। दोस्तों ये जो झाड़ू का बिज़नेस है, ये छोटे से गांव से लेकर बड़े शहर में भी इस बिज़नेस को आप कर सकते हैं। दोस्तों झाड़ू भी अलग अलग तरीके के झाड़ू होते हैं, जैसे कि ऊपर से जाले गिराने वाले झाड़ू अलग होते हैं, फिर बाथरूम में झाड़ू लगाने का जो होता है वो अलग होते हैं, घर में जो झाड़ू लगाते हैं वो अलग होता है, रास्ते साफ करने का झाड़ू अलग अलग होता है। तो दोस्तों झाड़ू के भी बहुत सारे प्रकार हैं। आप कौन से झाड़ू, अगर आप कोई भी झाड़ू का बिज़नेस शुरू करते हो तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ घर में जो झाड़ू लगाते हैं उसका ही बिज़नेस शुरू करो, अब रास्ते में जो झाड़ू लगाते हैं उसका वो भी ऐड करो, बाथरूम में जो यूज़ होते हैं वो भी झाड़ू आप परचेज करो, तो आपका बिज़नेस काफ़ी बढ़िया चलेगा। दोस्तों झाड़ू एक दैनिक उपयोग में सफाई हेतु प्रयोग आप कर सकते हैं। दोस्तों और इस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट लगता है। दोस्तों इसमें ज़्यादा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा और इस बिज़नेस में प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा रहेगा। दोस्तों क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल है झाड़ू का वो बहुत ही सस्ता आता है, वो बहुत महंगा नहीं आता है। दोस्तों ज़्यादातर लोग, जो गांव वाले लोग होते हैं, वो झाड़ू सबसे ज़्यादा बनाना प्रीफर करते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको रॉ मटेरियल फ्री में मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे गांव में उसकी खेती होती है या फिर वो ऐसे ही उगता है। तो दोस्तों कई लोग जानबूझ के खेती करते हैं, कई लोग बांस में से वो झाड़ू बनाते हैं। दोस्तों तो गाँव में वो ऐसे ही कहीं पर भी जंगलों में लगा हुआ होता है तो लोग वहाँ से काट के लाते हैं और घर पर झाड़ू बनाते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे कि सस्ते से सस्ता झाड़ू आप कहाँ से मिलेगा। दोस्तों तो दोस्तों सस्ते से सस्ता झाड़ू आप वहाँ से खरीदिए जो झाड़ू बनाने वाले होते हैं, अगर आप उनसे आप झाड़ू खरीदेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे जाएंगे तो आपके बीच में कोई दलाल नहीं है तो आपको सीधा प्रॉफिट रहेगा। दोस्तों अगर आप कोई मैन्युफैक्चरर को नहीं जानते, अगर आप कोई ब्रोकर को जानते हैं तो भी आप ब्रोकर के थ्रू भी आप खरीद सकते हैं, तो भी अच्छा है, तो भी आपको इसमें मुनाफा मिलेगा। दोस्तों अब बात करेंगे कि अगर आप झाड़ू का, अगर आप होलसेल के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग का भी बिजनेस करते हैं तो दोस्तों कई कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग और होलसेल का बिज़नेस एक साथ में करते हैं। दोस्तों खुद वो मात बनाते हैं फिर उसको होलसेल में बेचते हैं। दोस्तों अगर आप मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं तो आप झाड़ू बनाने के लिए आपको फिर कच्चे माल क्या क्या लगेगा, बेम्बू पॉल्स लगेंगे, कोकोनट झाड़ू लकड़ी लगेगी, प्लास्टिक झाड़ू हैंडल, फिर झाड़ू स्टॉपिंग वायर्स, बैम्बू पॉल्स, ये चार चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ये कच्चा माल कहाँ से खरीदे, तो मैं आपको बता दूं कि ये आप सारे के सारे कच्चे माल आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप एक शहर में रहते हो और वहाँ से बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको वहाँ से ऑनलाइन मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप वहाँ से ख़रीदते हैं तो आपको वहाँ से अच्छा मुनाफा रहता है। दोस्तों अब हम जानते हैं कि ये बिज़नेस शुरू करने में आपको आवश्यकता क्या क्या रहेगी। दोस्तों तो सबसे पहले तो आपको दुकान और गोदाम लेना होगा। दोस्तों दुकान के बिना आप बिज़नेस नहीं कर पाएंगे। दोस्तों उसके बाद अगर आप कोई भी दुकान लेते हो तो उसको आपको आपके जो फॉर्म है उसको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और आपको पर्टिकुलर आपके बिज़नेस के लिए GST
नंबर भी लेना होगा। और दोस्तों, अगर आप कोई बिजनेस का नाम है तो आपको रजिस्ट्रेशन तो करवाना ही होगा दोस्तों। उसके बाद आप अगर मैन्युफैक्चरिंग खुद की कर रहे हैं तो आपको झाड़ू बनाने की मशीन की भी ज़रूरत पड़ सकती है दोस्तों। स्टाफ की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, एक या दो, आप जितना आपको रखना है उतना आप रख सकते हैं। जैसे कि बिजनेस नया नया है तो आप पहले तो कोई स्टाफ मत रखिए, आप ही खुद ही मेहनत कीजिए। उसके बाद जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा दोस्तों, आप अपना स्टाफ खुद से रख सकते हैं दोस्तों। अब बात आती है कि इतनी आवश्यकता हमें होगी तो इसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट भी रहेगा, ये आप भी जानते हैं। तो इस बिजनेस में पहले तो पेमेंट का देख लेते हैं कि पेमेंट कैसे रहता है दोस्तों। पहले पार्ट पेमेंट होता है दोस्तों। पार्ट पेमेंट में ऐसा होता है कि पहले अपन ने पेमेंट दिया, उसके बाद आधा पेमेंट हमने माल खरीदने के बाद दिया। फुल पेमेंट का मतलब है कि माल आपके पास आ गया, उसके बाद आपने उसको फुल पेमेंट कर दिया। माल बिकने पे थर्ड पॉइंट है पेमेंट के लिए। तो माल बिकने पर वो ऐसा है कि माल बिकने पे मीन्स आप जिससे भी माल लेते हो उसके साथ आप एक बार बात कर लो कि भाई आप मुझे माल दो, जैसे जैसे माल बिकेगा वैसे वैसे मैं आपको अमाउंट जो आता है वो मैं देता जाऊँगा। उस हिसाब से थ्री पार्ट में ये पेमेंट की प्रोसेस होती है दोस्तों, जो बहुत ही ईजी है। वो आप अगर अच्छे से रिलेशन मेंटेन करोगे आप, तो वो माल बिकने के बाद भी आप उसको पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अब बात आती है कि इस बिजनेसमैन में आपको कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा दोस्तों। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट में आपको पहले तो इसमें दुकान और गोदाम का इन्वेस्टमेंट रहता है दोस्तों। अगर आप एकदम कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको दुकान और गोदाम भी ना लेके घर से भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि दुकान आप ऐसी जगह लेना चाहिए जहाँ पे पब्लिक सबसे ज़्यादा हो, जैसे कि सब्ज़ी मंडी हो गई, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पब्लिक रहती है। तो आप वहाँ पर दुकान और गोदाम लेंगे तो आपका बिजनेस सबसे अच्छा चलेगा दोस्तों। मेन मार्केट में ही आपका बिजनेस ये चलता है दोस्तों। तो दोस्तों, माल आपका इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो माल जो है, यह बिज़नेस आपका 20,000 से शुरू होकर 1 और 2 लाख तक आप इस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कई लोग क्या होते हैं दोस्तों कि दुकान और गोदाम ना लेके डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से माल उठाते हैं, और छोटे रूप से जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो साइकिल पे ले एक गांव से दूसरे गांव ले जाके अपना बिज़नेस को बढ़ाते हैं। जैसे कई सारे लोग होते हैं, जैसे कि मैं अपनी चाचा की बात करूँ तो मेरा चाचा बॉम्बे से और अहमदाबाद से वहाँ से रॉ मटेरियल लेते हैं और ख़ुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पर बनाते हैं। और कई सारे फिर जो साइकिल वाले बंदे हैं उसको दिन का 200 रुपये भाड़ा दे दिया, और उस वो अलग अलग गांव जा जाके ये झाड़ू का बेचते हैं। मतलब उसमें बहुत सारा प्रॉफिट रहता है दोस्तों, क्योंकि झाड़ू एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। जैसे कि घर में कोई लेडीज़ झाड़ू यूज़ कर रही है तो वो 3 महीने में तो ख़राब ही हो जाएगा, उन लोगों को दूसरा झाड़ू तो लेना ही होगा दोस्तों। तो उस हिसाब से झाड़ू का बिज़नेस है जो कभी ख़त्म नहीं होता दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप कोई स्कीम में झाड़ू दोगे कि भाई तुम एक खरीदोगे तो 50 रुपये का आएगा, 2 खरीदोगे तो 70 रुपये का आएगा, तो दोस्तों वो लालच में वो झाड़ू बल्क में खरीद लेते हैं घर वाले दोस्तों। तो उस हिसाब से अगर आप बिजनेस करेंगे तो बहुत अच्छा बिजनेस होगा दोस्तों। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि इस बिजनेस में प्रॉफिट कितना आता है दोस्तों। झाड़ू का जो बिजनेस है उसमें टोटली जो प्रॉफिट है वो मार्केटिंग पे ही डिपेंड होता है कि आप ये बिज़नेस की मार्केटिंग कैसे करेंगे। जो आप इसकी मार्केटिंग जैसे करेंगे उतने ही आपको प्रॉफिट मिलेगी, मतलब कि आप ख़रीदारी पर उसकी निर्भर करती है दोस्तों। क्योंकि आप जितना सस्ता माल खरीदेंगे उतने ही आपको प्रॉफिट के साथ आप अपने कस्टमर को बेच रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें आपको प्रॉफिट भी जो ख़रीदारी पर भी निर्भर करती है दोस्तों। तो आप अगर मैं आपको बता रही हूँ कि प्रति महीने आप 30,000 से 40,000 तक के महीने कमा सकते हैं, ये तो दोस्तों मैंने कम से कम बताया है दोस्तों। अगर आप थोड़ा बहुत और इन्वेस्टमेंट करके अच्छा मार्केटिंग करते हैं और आपके पास अच्छे कस्टमर है तो आप और भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और
मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझे कुछ और भी समझना या पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं नया वीडियो आपके लिए बना दूंगी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।